मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में उन हजरात के लिए नुस्खा पेश करने के लिए जा रहा हूँ और एक ऐसा माजून आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया और हस्तमैथुन करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। यहाँ तक के टाइमिंग ज़ीरो की तरफ आ गई, नसें बिल्कुल कमज़ोर हो गई और मनी पानी जैसी पतली हो गई। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मनी गाढ़ी हो जाए, स्पर्म काउंट अच्छे हो जाए, मनी जो है ये वीरिया गाढ़ा हो जाए और स्टैंडिंग पावर ज़बरदस्त हो जाए, तो फिर ये माजून आपके लिए होगा। मुख्तसर चीज़ों पर मुश्तमिल ये माजून है, चंद जड़ी बूटियों से बना हुआ है लेकिन बड़ा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अब आइएगा, कौन कौन सी चीज़ों से हमने इस माजून को बनाया है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको लेना है मूसली सफ़ेद 5 ग्राम, उसके बाद आपको शामिल करना है सिंगाड़ा खुश्क 5 ग्राम और तुखमे कोच मुतब्बिर ये आपको लेना है 5 ग्राम, मोचिरस ये भी आपको 5 ग्राम ही शामिल करना है और कुश्ता सिंगरफ ये आपको लेना है सफ़ेद, कुश्ता सिंगरफ सफ़ेद आपको लेना है 2 ग्राम, उसके बाद में शहद दुगनी मिकदार में आपको शामिल कर लेना है। तो ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से कूट पीस के इसका बारीक पाउडर बना लें, इसका सफूफ तैयार कर लें और जब सफूफ तैयार हो जाए तो माजून में शहद में अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इसको माजून बना लें। जब माजून तैयार हो जाए तो रोज़ाना सुबह और शाम इस तरीके से आपको ये 40 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के इस्तेमाल करने से ही आपकी मनी गाढ़ी होने लगेगी, स्पर्म काउंट अच्छे हो जाएंगे, टाइमिंग आपकी ज़बरदस्त होगी और स्टैंडिंग पावर बढ़िया हो जाएगी, नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी। तो ये बड़ा ही कामयाब फार्मूला है, बहुत ही अच्छा माजून है। अब अगर आप इस माजून को बनाना चाहते हैं तो कहीं से भी देसी जड़ी बूटी ले करके आप अपने हाथ से इसको बना के इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग वो हैं जो नामर्दी का शिकार हो गए, दांत की शिकायत होती है, या मान लीजिएगा बहुत सारे नौजवान वो हैं जिन्हें नाइट फील की बीमारी होती है या जिन्हें बार बार पेशाब की शिकायत होती है, मसाना कमज़ोर हो जाता है या मसाने में गर्मी हो जाती है, या किसी को बवासीर का मरज़ है। बहुत सारी खवातीन वो होती हैं जिन्हें लिकोरिया का या पीरियड सिस्टम जिनका गड़बड़ा जाता है। तो अगर कोई सी भी बीमारी आपको लगी हुई है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे रखा है, अपना इलाज कराने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कहीं भी किसी भी जगह आप दवा मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।